रितिका एक सीधी सादी सिंपल सुंदर सी लड़की थी। उसकी शादी परम नाम के एक अकाउंटेंट से हो जाती है। रितिका की सास को मेकअप करने का बहुत शौक होता है। एक दिन, सासू माँ, आपने ये क्या हाल बना के रखा है? मैंने तो बस नया कैटरीना कैफ का लुक आजमाया है। लेकिन आप अपनी उम्र तो देखिए सासू माँ, शकल पे झुर्रियाँ, आँख में काजल, कुछ सूट नहीं किया। ए बहू, तू ज्यादा पटर पटर मत कर, मैं तो तुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी हूँ। अच्छा मम्मी जी, तो मेरे वो क्या आपसे सिर्फ 2 ही साल छोटे हैं? तू चुप कर, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। जी मम्मी जी। बहू थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आकर देखती है। मम्मी जी, ये तो मेरी शादी की मेकअप किट है। हाँ बहू, अब ये मेरी हुई। वैसे भी तेरा मुंह कहाँ है मेकअप करने लायक। हाँ मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ और आप नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मेरा मेकअप भी ले लेंगी। चुप कर जा, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अभी तो बनाई थी मैंने चाय मम्मी जी। अच्छा तो ठीक है, जा मेरे लिए बाजार से फेशियल का सामान लेकर आ। जी अभी लेकर आती हूँ। ओहो, कितना मेकअप करती है ये सासू माँ। रात को सास सो रही होती है, तभी बहू सास के कमरे में पानी रखने जाती है। बहू सास की बिना मेकअप वाली शक्ल देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये कौन है? अरे ये तो मेरी सास ही है, आज पता चला इनकी असली शक्ल कैसी है। बहू सास की फोटो क्लिक कर लेती है और कहती है, अब ये होगी मेरी कल की इंस्टा स्टोरी। अरे बेटा परम, तू जरा मेरी नई इंस्टा वाली फोटो लाइक कर दे। अरे क्या माँ, आप भी सुबह सुबह अपना काम शुरू कर देती हो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ना? अरे बेटा कर दे जल्दी से लाइक, वरना ये तुझे जाने नहीं देगी ऑफिस। अच्छा अच्छा करता हूँ माँ। परम अपना मोबाइल निकालता है और अपनी माँ की फोटो लाइक करने लगता है। तभी सास की नजर बहू की स्टोरी पर पड़ती है, मम्मी जी का रियल फेस। ये क्या कर दिया बहू तूने? कुछ नहीं मम्मी जी, बस दुनिया के सामने आपका असली चेहरा लेकर आई हूँ। क्या बात है बेटा, आज पहली बार इसकी असली मुंह दिखाई हो गई। रुक तू, अभी बताती हूँ तुझे। अरे अब घर आएगी तभी बताऊंगी इसे, वरना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा इसके पीछे भाग भाग कर। कुछ दिनों के बाद, अरे सुनो रितिका, सबको बोल दो जल्दी से, मेरे दोस्त के पिताजी के फ्यूनरल पर जाने के लिए सब तैयार हो जाएं। जी ठीक है। इसके बाद सब फ्यूनरल पर जाने के लिए सादे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। सॉस, आईलाइनर, लिपस्टिक, फाउंडेशन और फेशियल करा के आ जाती है। अरे माँ, हम फ्यूनरल में जा रहे हैं, शादी में नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, तभी तो ये लाइट मेकअप करके आई हूँ। बस माँ, मैं ऐसे आपको लेके नहीं जा सकता। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ओफो, अच्छा चलो मम्मी जी। इसके बाद सारे फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। अरे आंटी जी, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है, लगता है आप गलत पते पर आ गए हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो फ्यूनरल में ही आई हूँ। ये मेरी माँ है। सब सास की ओर अजीब तरह से देखने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं। माँ, आपकी वजह से हमें फ्यूनरल में कितना कुछ सुनना पड़ा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे पता है वो मेरी सुंदरता से इतना जलते हैं ना, इसलिए बोल रहे होंगे। इंसान अपनी शक्ल से नहीं मम्मी जी, अपने काम से सुंदर होता है। तू चुप कर और जा मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। जी मम्मी जी। अरे सुन, अभी तक तो तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है ना, आज तेरी मुंह दिखाई है। जी समझ गई मम्मी जी। बहू की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है। अरे आज तो फंक्शन है, अच्छे से मेकअप करूंगी।
इसके बाद सास कार्टून की तरह मेकअप करके आ जाती है। अरे सुशीला, तूने ये क्या हाल बना के रखा है? हम यहाँ बहू को देखने आए हैं, तुझे नहीं। ये मेरा न्यू माधुरी दीक्षित लुक है। हे भगवान, ये नहीं सुधरने वाली। ये माधुरी दीक्षित कम और जोकर ज्यादा लग रही है। इसके बाद सब सास के ऊपर हंसने लगते हैं। सब लोग बहू का मुंह देखते हैं। अरे वाह, बहू तो इतनी सुंदर है और बिना मेकअप के ही इतनी सुंदर लग रही है। बिना मेकअप के कोई सुंदर हो सकता है भला? सब सास की बुराई और बहू की तारीफ करके चले जाते हैं। मिल गई कलेजे को ठंडक, सबके सामने अपना मजाक बनवा के। तू बहुत ज्यादा बोलने लगी है, अब देखती हूँ कैसे रहेगी तेरी नेचुरल ब्यूटी। इसके बाद सास बहू से दिन रात काम करवाती है। रात में, सासू माँ, मैंने पूरा दिन इतना काम किया, अब मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, महारानी थक गई है, जा चुपचाप घर में एक और बार पोछा लगा कर आ। जी मम्मी जी। माँ, ये क्या बात हुई? अगर आप सुंदर नहीं है तो आप अपनी बहू की नेचुरल ब्यूटी क्यों मिटाने में लगी हुई है? तू चुप कर, बहुत बोलने लगा है। परम चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। हाय, मैं कितनी सुंदर हूँ, नजर न लगे मुझे। अरे, मेरे चेहरे पर इतने पिंपल्स और दाग कैसे आ गए? ये सब दिन रात मेकअप करने का नतीजा है। अब मैं क्या करूं? बहू सास के लिए लेप बना के लेके आती है। ये लीजिए मेरी डरावनी सासू माँ, ये लेप लगा लीजिए, इससे आपके फेस पर नेचुरल ब्यूटी आएगी। हल्दी, गुलाब जल, इन सबको पीस कर बनाया है ये लेप। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू, मैं तुम्हारी ब्यूटी खत्म करवाना चाहती थी और तुम मेरा कितना ख्याल लगती हो। हाँ, जब ऐसी सास मिली हो जो जोकर बन के घूमती रहती है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब से मैं यूज नहीं करूंगी इतना मेकअप, क्योंकि मेरी उम्र जो हो गई है। ये हुई ना बात। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी ना छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।